रोलिन ये के परालसिफू दिया नमस्कार प्रणाम राम राम आपका स्वागत है ओ भाई नेट टूटा तेरा दिक्कत है गई कि मैं दिक्कत क्यों है थोड़ा ऐसा बोल यार ये दो घूंट पीछे ना थामता है यार यू के नमस्कार प्रणाम राम राम मैं <coughs> मैं लोक स्टूडियो जोक स्टूडियो से स्टूडियो। ओ भाई तेरा जेठ बेटा गेम जमा से ओए उतर गया ओके नमस्कार प्रणाम राम राम जोक स्टूडियो में आपका स्वागत है मैं हूं घीश कुमार और आज एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवा रहे हैं जिसकी नशे ने घीस काट रखी है आपसे मिलवाएंगे और आपको जानकर हैरानी होगी कि बड़ी मुश्किल से इनको समझा बुझा के हम यहाँ लाए हैं आपसे बात करने को भाई जबान तना फिर हो गया समझा बुझान के, के मतलब है बोतल की के ले रहे हो आ, आ, नहीं तो ठीक है हाँ तो ये है मधोस सिंह जी जो अपने इलाके के जाने माने शराबी जो अग्रण्य शराबी हैं उनमें इनका नाम आता है और इन्होंने बड़ा नाम कमाया इस क्षेत्र में कि जब भी आसपास के गांव में कोई नाम लिया जाता है भाई सबसे बड़ा शराबी कौन तो सबसे पहले मधोस सिंह का नाम लिया जाता है तो स्टूडियो में आपका स्वागत है और ये बताइए आप राम राम लें हमारी और अपना नाम गाम कुछ बताएँ इसके बारे में

अच्छा तो कहां से आए आप? के के मतलब से आए आप? धरती के अरे हो फिलहाल नहीं मतलब? आज खेत मत आए। हाँ यही तो पॉइंट मैं बताना चाह रहा था कि ये जो है ना सारा दिन शराब पीते हैं और इनके जो घराली खेत में काम करे जाए तो ये बहुत बड़ी समस्या और आज इस समस्या को हम इनके रहते जाने की कोशिश करेंगे तो एक बात बताओ यहाँ के आप कैसा महसूस कर रहे हो मैं आ रहा है कि बड़ा गिरा है महसूस कर रहा हूँ क्या मतलब आपका तमीज से बात करो तमीज हाँ बात सुन ले मेरी शुरू में नहीं स्टूडियो है कोई ऐसा नहीं हाँ, है हाँ स्टूडियो मेरी बात सुन ले मैं हाँ। तारे जाते जान जानू एक बात का ध्यान रखियो हाँ। कि मेरा बाबू छोला बहुत था और उसका कारण था मेरा दादा ज्यादा छोला था तो इस बात का इस इंटरव्यू में क्या मतलब है इस इंटरव्यू में यो मतलब है कि मैं भी मेरा बाबू बहु हूँ तो ध्यान रखियो कि मेरा बाबू छोला बहुत था देखो सारा देश संकट से जूझ रहा है और देश में संकट चल रहा है आपको पता ही है और उसके बाद आप जैसे लोग शराब के नशे में धुत रहते हैं इससे देश को नुकसान हो रहा है देश का नुकसान हो रहा हाँ। बात सुन ले कि देश थम में सर अभियान रखे है कैसी बात कर रहे हैं आप मतलब आप समाज में एक तो नशा करते हो आप लोग ऊपर से इतनी बेहूदी बात कर रहे हो आप कैसे थम रखे देश बेहूदी बात बात हाँ? सही हो सर सिस्टम सा कोरोना वाला हाँ? जिस टाइम देश की अर्थव्यवस्था चरमराव ही उस दिन देश की जनता शराबिया कन गुटर गुटर लखाव थी क्या मतलब इस बात का मतलब देश की अर्थव्यवस्था थम भी हमने रखी है ये सब कहने के बात है मार्केट में और दुकान भी बहुत हैं जो खुली हैं ना 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 और दुकान खुल दी होंगी लेकिन एक चीज ऐसी है तो उस टाइम चौबीस घंटे सर्विस कैसी बात कर रहे हो मधोर सिंह जी सरकार ने टाइम फिक्स करा क्या आठ बजे ठेके बंद हो जाएंगे बड़ी बात बताओ आंखें देखी माखी खुआना रहे तो। क्यों? 24 रात में ले लो

आप कैमरे में बोल रहे हो चुप करो मैंने शुरू में कहा था कि मेरा बाबू छोला बहुत था इतना लंबा लठरा क्या करता पित्त की पोलिया चौकीदार था चौकीदार <laughs> नहीं था और उसने उस थे इस बात का इस शो से क्या मतलब है आपके क्या, 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 क्या डराना चाह रहे हो इस बात का इस शो में जरूरत पड़ सके है इसलिए कह रहा हूँ का मधोहत सिंह जी से बात जारी है और उनकी बातें हम सुनते रहेंगे छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं एक बार जोक स्टूडियो। स्वागत है आपका फिर से ब्रेक के बाद हम मधोज सिंह जी से बात कर रहे थे उन्हें अपनी बात धुमा था, ठारा क्या है और जो धुआ आप देख रहे हो इसको छाटते हैं मधोज सिंह से दोबारा बात शुरू करते हैं अच्छा ओके। तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं मधोस सिंह जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये, ये नाम जो आपका रखा मधोस सिंह इस बात का क्या मतलब किसने रखा है नाम <laughs> नाम तो समझो ऊपर तय आया था oh, oh, अच्छा मतलब हाँ. बचपन में ही आपकी प्रतिभा पहचान ली हाँ. क्योंकि लक्षणा ने यू नाम दिया मारते ओके, ओके, हाँ. अच्छा मैं ये कह रहा था कहाँ रहते कहो आप देखो जी ज्यादातर तो मैं मारता अच्छा ये ये बताओ आप कब कब से पी रहे हो ये शराब ये समझो के जी ओ संभालते जिम्मेदारी संभाल ली थी ओहो अच्छा तो क्या शेड्यूल क्या रहता आपका शडूल, शडूल है आपका शराब पीने का शेड्यूल देखो शेड्यूल मारा बोल मुझे तो ये लग रहा है कि आप दिन रात पीते हो और हम रात दिन पीते हैं ओके 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 और <coughs> शेड्यूल हमारा बहुत टाइट रहता है कैसे देखो हम उठते उख, हैं सवेरे साढ़े तीन बजे साढ़े तीन बजे सवेरा नहीं होता रात होती है यह तो बात है हमारा दिन जल्दी निकलता है कैसे उसके बाद उठते ही देखो हम सोते हैं सराहना दर के उसके बाद उठते हम एक कप ले लेते हैं शराब का सुबह सुबह आँख टंदे खुल जाते हैं उससे तो आंखें नहीं खुलती मतलब कहने का है कि पैग लेते आपका सूरज निकल जाता है हाँ ओहो फिर उसके बाद एक कब ब्रेकफास्ट में एक दोपहर में फिर खेल हम तास फिर बजे साढ़े तीन दोबारा पाँच साढ़े फिर हमारा दारू पीने का टाइम हो जाता है तो इससे पहले क्या कर रहे थे आप <laughs> वो तो ब्रेकफास्ट और लंच था मतलब उसको शराब में कंसीडर नहीं करते तो असली शराब पीना किसने को आप असली शराब पीना कदे पी है प्रश्न इस बात का नहीं है आप सुबह लगते हो और शाम को आप कह रहे हो कि दारू पीने का टाइम होता है ये बात मेरे समझ नहीं आ रही। सुनो मेरी बात कडी देखी है कडी हाँ। तो खाण की हो है? चार दिन की हुई। कैसी बात करें चार दिन की तेरी बात जितना स्वाद भी नहीं है कैसी बात करो आप तभी तो करो आप अपने तमीज की बात आते फिर क्यों हूं मैं मेरा बाबू छोला बहुत था इस बात का मतलब क्या स्टूडियो में इस बात का मतलब जानती समझ में आ लेगा मेरा जचरी है उठा ले ने? ले ले बोल दे खा रहा क्या हेलो हां हैं अरे ठिकाना फोन ले रहे तो कहन तो लाग रहा ठारा क्या है उठा रखा ठेका फोन ठाग लिया है भाई ये तो कुछ उसकी अलग थी मैटर है हद होगी भाई अच्छा एक बात बताओ आप मेरे को आप कहते छोड़ने कोशिश नहीं करी छोड़ने की हाँ करी है करी पर जिम्मेदारी बीच में आ गई देखो शराब भी जो होती है ना ऐसी बात कर रहे हो शराब छोड़ने में कौन सी जिम्मेवारी आपको करती सुनो तो शराब भी जो होते हैं हाँ। वो बड़े ही इमोशनल किस्म के आदमी होते हैं तो मैंने दारू छोड़ दी एक लेके दिन लेकिन दिन दारू छोड़ के सोया उससे दिन रात ने संजय सपना माली कौन दारू माता दारू माता हाँ अरे हाथ पकड़ कर नहीं बोली अरे मधोसे मधोसे हाँ मतलब दारू माता ने भी नाम बेरा आपका हाँ <laughs> ये नाम करूं उसे का कर ओके नो बोली हां रे मदोसे मैं बोला हां काकी क्यों कराई हम बोली हां रे बेटा देख मैं थारे वाणिया म आई मैं थारे ब्या सगाई म आई हम मन थारा घर बेखो आया मन थारे लठ वजवाए अभी थाम न नो छोडो गे रे ओहो अरे गेरे। आड़ मदोसा मजबूर हो गया चर बताओ छोड़ कौन कम वक्त पीने के लिए पीता है कुछ कह नहीं जा सकता अच्छा मैं ये कहना चाह रहा था शराब पी के देखो शराब आपको धीरे धीरे मौत की तरफ ले जा रही है ठीक हाँ। तोड़ है तोड़ा है अरे जल्दी की बात नहीं पर भी में तो है नुकसान तो होगा नहीं आप एक काम करो जी देखो आज जोक स्टूडियो में आ रहे हो आज ये पुन का काम कर दो इन्हें छोड़ दो छोड़ दू हाँ। चलो मेरी तीन शर्त है आपके घर के कदम कोशिश नहीं करी भाई किसकी छुड़वा जा को दवाई भी को जन बाबे बुबे पर तेरे दारू छुड़वा करी थी कोशिशें है ले गए थे कितने हाँ ले गए थे, हाँ, थे कोई बाबा था वो कोई बबूती वो बातें कुछ दिया करता दारू छोड़ने की दारू छोड़ने की अच्छा उसने दवाई दी पर थोड़े दिन बाद मन्नत तो दारू छोड़ी प्राण छोड़ गया क्यों क्योंकि करो, आप, हो, मारे नाम एक हो जाएगी। आप मुझे सिर्फ एक बात बता दो आप ही शराब पीते हो आपके शरीर का नुकसान करती है आपके खानदान की रेपुटेशन खराब करती है या जो नई पीढ़ी आपका आसपास है या सीखेगी और ये भी पीण गए तो नहीं देखो जी ये है इल्जाम शराबियों के सर पर सच्चाई है नहीं ये, ये शराबियों के सर पर इल्जाम है, है। नई पीढ़ी देख मैं मानता हूं शराब से नुकसान होता है लेकिन मारी नई पीढ़ी तो और चीजा ने बहुत जकड़ रखी है उनका नाश तो वैसे होना लग रहा है क्या कहना चाहते हो डिम्बक लाग रही है उनका तो डिम्मक क्या कहना चाहते हो आप क्या कह रहा थे कई बीमारी ऐसी चल रही हैं फेसबुक व्हाट्सएप सब तबोंडी बीमारी टिकटॉक हवा तो जाली आ राजेंगे तो ये ऐसी चीजें हैं कि डिम्म की डांट खाने लायक रही है शराबिया का तो नाम बदनाम है तो ये थी कुछ सुरीली सी कुछ नसीली सी बातचीत मधोत सिंह एला बात चाहे किसी भी हो लेकिन ये बात सच्ची है नसाकीसा भी हो वो चाहे सोशल मीडिया का हो चाहे दारू का हो या ड्रग्स का हो वो सबकी बुद्धि करे ख़राब तो इसलिए आप भी रखना याद नशे से रहना दूर और मारते दूर नहीं रहना है क्योंकि फिर आवागे जोक स्टूडियो में एक नया मज़ेदार मसाला लेकर राम राम जोक स्टूडियो